कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि दिल्ली से टिकटों के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। विधानसभा चुनावों में जो गलती हुई, क्या लोकसभा चुनावों में देखने को मिल सकती है? चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस का जो जीत का अंतर है वो 1.5% है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। और ऐसे बहुत सी सीटें हैं जहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है, और ये जो भाषण मैं देखता हूँ कि 300 पार, 400 पार, 500 पार, अगर इतना मजबूत भाजपा अपने आप को समझती है तो फिर तमाम कांग्रेस नेताओं को या विपक्ष के नेताओं को अपने से जोड़ने की क्यों वो उन्होंने वो जिद पकड़ी हुई है? कहीं ना कहीं असुरक्षा जहन में है, क्योंकि वास्तविकता अलग है। यही 2004 में हुआ था जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। इंडिया शाइनिंग करके उन्होंने चुनाव 6 महीने पहले करवाए और फिर सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई थी। आज धरातल पे लोग आक्रोशित भी हैं, असहज भी हैं, बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि वातावरण ऐसा बना हुआ है, किसकी छापा पड़ जाए, किसके यहाँ